दरअसल आप देख रहे हैं ओपन चैलेंज 24 न्यूज और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के नाहरपुर में, जहाँ पर बताया जा रहा है कि आज सुबह तड़के ही बाबा साहब की प्रतिमा जो यहाँ लगी हुई थी उसे हटा दिया गया है। इस प्रतिमा को हटाने का क्या कारण है ये भी साफ तरीके से पता नहीं चला है। बताया जा रहा है कि कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार ही वो प्रतिमा जो है यहाँ से कहीं और शिफ्ट की गई है। अगर यहाँ ये भीड़ हुई है तो क्यों हुई है, आखिर ये विरोध प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, बाबा साहब की जो प्रतिमा को यहाँ से दूसरी जगह कोर्ट के अनुसार शिफ्ट किया गया है, आखिर उसका कारण क्या था, आइए जान लेते हैं। तो आज ये जो घटना यहाँ हुई है बाबा साहब की प्रतिमा, बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा को जबरदस्ती हटाया है। हम लोग संघर्ष के मैदान में हैं और संघर्ष के मैदान में डटे हुए हैं। हमारी मांग है, ये जमीन हमारी है और हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी। हम बाबा साहब की प्रतिमा हटा दी इन्होंने, हम दोबारा भी लगा सकते हैं, लेकिन जमीन को छीनने नहीं देंगे, लड़ाई जारी है। इसी तरीके से एक बार पहले भी यही मुद्दा हुआ था, बाबा साहब की प्रतिमा को लगाया नहीं जाने दिया जा रहा था, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो आज भी बाबा साहब के संविधान को खत्म करने पर तुले हुए? सबसे बड़ा असामाजिक तत्व दिल्ली का LG है, वो प्रॉपर्टी डीलर है, भू माफिया जिसको कहते हैं। DDA का काम प्लॉटिंग करना तो है, लेकिन किसी की जमीन में जा करके सेंधमारी करना ये खुलेआम गुंडागर्दी है, तानाशाही है, और LG यहाँ का भू माफिया है। जिस तरह से सुबह 4 बजे के वक्त यहाँ से महिलाओं को एक तरह से किडनैपिंग करके दिल्ली पुलिस जो यहाँ से लेकर गई है, जिसमें कि महिला कांस्टेबल मौजूद नहीं थी, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम ये गलत हुआ है बहुत ज़्यादा, और इस बारे में पहले भी हमने अभी DCP से बात हुई है मेरी, इस बारे में DCP को हमने कहा है FIR दर्ज कराओ जो पुलिस वाले दोषी हैं उनके खिलाफ। अगर यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा को दोबारा से स्थापित नहीं किया गया तब आपका अगला कदम क्या होगा? लड़ाई बढ़ेगी आगे। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रतिमा शिफ्ट करने की जो कार्रवाई है वो हाई कोर्ट के ऑर्डर से की गई है। आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ से तितर बितर हो जाएं और आपका जो भी कंप्लेंट है या शिकायत है वो रिप्रेजेंटेशन आप हमें दे दें। किसी प्रकार से अगर आप कानून व्यवस्था में विघन डालेंगे तो मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। ये जो भी कार्य हुआ है ये दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक हुआ है, ये आप सबको भी ज्ञात है। इसलिए आपसे एक बार फिर करबद्ध प्रार्थना है कि आप शांतिपूर्वक यहाँ से डिस्पर्स हो जाएं, अपने अपने घरों में चले जाएं। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी सिचुएशन उत्पन्न करेंगे तो मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, आपको यहाँ से खदेड़ा जा रहा है? मैम हम कुछ कर लें कहने के बजाय ज़्यादा अच्छा रहेगा। खदेड़ा जा रहा तो ठीक है, हम लोग अंदर जाएंगे, चले जाएंगे। रोड पर कैसे हो, जब उनसे घर से बाहर नहीं निकला जा रहा, थोड़ा हारी बीमारी है, बालक है, बच्चे हैं, बताओ महाराज, जब खुद का पार्क हमारे पास ना रहेगा हम दूसरे का पार्क हम कहाँ जाएंगे? ये चार चार रोड कौन पार करेगा और क्यों करेंगे हम रोड पार? अपनी जमीन हम उनको दे दे दे, DDO वाले को दे दे, उनके प्लाट कटवा दे हम उनका, इनका मुआवजा नहीं उठ रहेगा, हमारे 7 पुस्तों की जमीन आई हो। अच्छा यहाँ स्थानीय विधायक का नाम जानते हो आप? विधायक विजेंद्र गुप्ता करवा रहा सारा काम। विजेंद्र गुप्ता की तरफ से क्या रिपोर्ट मिल रहा है आपको? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, उसने आज तक नहीं देखा, 15 साल से वो सीट पे बैठे, आज तक ना नहीं संभाला उसने, आज तक नहीं संभाला उसने, 2 साल हो गया लैट्रिन का पानी पी रहे हैं, हम पानी की सुविधा नहीं, हम मॉल खरीद खरीद कर पानी पी रहे हैं, क्या कर रहे विजेंद्र गुप्ता? लेटरिंग का पानी पी और बोलता कि मैं नारपुर से नहीं बन रहा, मैं तो मेरे को तो वहाँ से सेक्टर 9 से बनाया जा रहा है, मैं नारपुर को नहीं जानता हूँ। नारपुर में वोट नहीं है? नारपुर में क्यों नहीं वोट है? सारी वोट उसी की थी। जब BJP में है तो नारपुर की वोट नहीं होती है क्या? BJP को नारपुर वोट नहीं दे रहे हैं? फिर हमारा मुआवजा नहीं उठा, खुद की हमारी जमीन होता है, हम कहाँ जाएंगे, हमारे बुजुर्ग कहाँ जाएंगे, 25-25 गज के वो बेटा का घर है, कहाँ जाएंगे वे, कहाँ बच्चे खेलेंगे, कहाँ बुजुर्ग लोग जाएंगे, बताओ कहाँ रे बीमारी वाले जाएंगे? हम दूसरा एग्जाम आ तो नहीं जा रहे ना, हमने कोई मुआवजा नहीं उठा रखा, हम जबरदस्ती कब्जे कर रहे हैं, 25 साल उठाई गई है यहाँ से, 25 साल से मूर्ति लग रही थी, ये इस बालक को क्या पता, ये तो पहले कहीं रह रहा था, अभी आया, इसको क्या पता 25 साल पुरानी हमारी मूर्ति उठाई गई अब, और चोरी छुप के हमारी शादी थी, हमारी कल के हल्दी की रस्म थी, कल हल्दी की रस्म में हमारे ये महिला जो गीत गा रही थी और वे तो कब्जा में ले लिया, जब वो तस्वीर हटाई गई तो दिन में करते, सबकी मौजूदगी में ये काम करते, मौजूदगी में करते, चोर क्यों चोरी छुपे रातों रात ये काम करने का क्या मतलब है? अर्ली मॉर्निंग जैसे भी कराए करते, सबकी मौजूदगी में ये काम होता तो
कहा भी जाता भाई सारे मौजूद थे तब हुआ। इसको तो ये कहेंगे कि चोरी छुपे काम हुआ है। पुलिस क्या चोरा की सेफ्टी करेगा, क्या हमारी सेफ्टी करेंगे? पुलिस का खुद चोर है, पुलिस कर रही है, पुलिस कर रही है, पुलिस पुलिस कर रही है, छल बल का इस्तेमाल करी है हमारी। मारिये लेडी जब बता उठाई गई है, जबरदस्ती चार चार आदमी लग कर जब इन लेडीज को भरे हम देखने गए तो हमारे को भी अरेस्ट कर लिया। माँ मारे किसने उठाए? पुलिस पुलिस वाले ने उठाए। हम अच्छे गीत गा रहे थे, तो पुलिस वाले नहीं हुई, पुलिस वाला था।